प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जनहित योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना ये मुकेश गुप्ता वार्ड नंबर 9 के उम्मीदवार की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और बेरोजगारी भत्ता लगवाना वार्ड वासियों के लिए प्राथमिकता रहेगी। वहीं उन्होंने बताया कि नगर परिषद में अधर में लटकी हुई गलियों का कार्य भी अभी पूरा करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनता के आशीर्वाद से यदि मैं पार्षद बनता हूँ तो बड़े नेताओं के सहयोग से वार्ड में कार्य करवाता नजर आऊंगा, जिससे उन्होंने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का भी आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने बताया कि कुर्सी मेरा चुनाव चिन्ह है और विजय बनाकर लोग जनता की सेवा के लिए मुझे चुने, ताकि मैं भविष्य में कार्य करता हुआ नजर आऊं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी का, बड़े भाई श्री अनुराग ठाकुर जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जिताया और उस भरोसे पे मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे जैसे मैं वार्ड में प्रचार कर रहा हूँ, लोगों का भारी समर्थन मेरे को मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम टाइम लोगों को देने के लिए मैं तत्पर हूँ। और मेरे विकास के मुद्दे हैं, जैसे सरकार की योजनाओं को, जो लोग इन योजनाओं से अवगत नहीं हैं उनको, उन सरकार की योजनाओं को लोगों के घर द्वार तक पहुँचाना मेरा सबसे पहला काम रहेगा। दूसरी बात के स्ट्रीट लाइट को सुचारू रूप देना, पार्किंग की थोड़ी सी व्यवस्था करना, जो गलियां हमारी अधूरी पड़ी हुई हैं उन गलियों को सुचारू रूप देके पूरा कंप्लीट करना, ये मेरा मेन उद्देश्य रहेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो वार्ड में विभागीय कार्य लोगों के अधर में पड़े हुए हैं, वो निजी रूप में स्वयं जाकर उन कामों को निपटाने की कोशिश करूंगा। बाकी रही ठेकेदारों की बात, जो अधर में पड़े हुए हैं, ठेकेदारों से बात करके जो भी अधर में पड़े हुए अधूरे पड़े हुए कार्य हैं उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा।